कालका से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस को हर वर्ग का ख्याल है, तभी तो वो बुढ़ापा पेंशन में 5100 रुपए और बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने की बात कह रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हकीकत पे विश्वास रखती है। हरियाणा में चुनाव दरअसल बड़ा घमासानी हो रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र को लेकर के जनता के बीच जा रही है, वहीं कांग्रेस भी अपने वादों को और अपने इरादों को भी गिनवा रही है। कांग्रेस ने साफ कहा है कि वो आएगी सत्ता में तो 5000 रुपए बुढ़ापा पेंशन और तमाम प्रकार की सुविधाएं देगी। बात करते हैं कालका से प्रत्याशी सर, आपका चुनाव कैसा चल रहा है पहले ही बताइए। बहुत आपने देखा, बहुत लोगों में उत्साह चाव है और लगातार हमारे ऐसे जितने भी कार्यक्रम आज हुए, हमारा ये 16वां 17वां कार्यक्रम है, अभी 5 कार्यक्रम हमारे और हैं। जहाँ भी हम जा रहे हैं, युवाओं में, नौजवानों में, बुजुर्गों में, भाइयों में बड़ा ज़बरदस्त उत्साह चाव देखने को मिल रहा है और निश्चित रूप से आज जो जोश उत्साह देखते हुए हमें यह लगता है कि कांग्रेस पार्टी पूरे हरियाणा प्रदेश में आज माहौल बन चुका है। निश्चित रूप से मौजूदा सरकार जो थी इसका जाना तय है और कांग्रेस सरकार निश्चित रूप से अपनी सरकार बनाएगी। इतिहास देखा जाए तो कालका में अधिकतम समय कांग्रेस ने राज किया और बीजेपी ने पिछले 5 साल राज किया, वो कह रहे हैं समान विकास। आप तो पूरा इलाका देखते होंगे, क्या स्थिति है, विकास दिखा आपको समान रूप से कहीं? इन्होंने विकास किया, HMT फैक्ट्री बंद करके विकास किया, इन्होंने विकास किया, लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए पाए, इन्होंने विकास किया, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दी, ये विकास है, इसको विकास कहते हैं आप? जो भी झूठे वादे करे, युवाओं को गुमराह किया गया, आम आदमी को गुमराह किया गया, इन्होंने 5 साल में बेरोजगारी भत्ता दिया ही नहीं। हमारी पार्टी की सरकार बनेगी निश्चित रूप से और 5100 रुपये पेंशन की जो कहा है उन्होंने उस पर बिल्कुल हमारे लोग जो कहते हैं वो करते हैं। इन्होंने तो एक आज एक किस मुँह से पेंशन का जिक्र करेंगे, किस मुँह से ये बेरोजगारी भत्ते का जिक्र करेंगे, क्योंकि ये इनके मैनिफेस्टो में थे पहले, उस पर कहीं खड़े नहीं उतरे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना प्रदीप चौधरी जी का साफ तौर पर कहना कि कांग्रेस ही एक ऐसी है जो अपने वादों को पूरा कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादों को पूरा करने के लिए पूरे 5 साल लगाए, लेकिन युवा और बुजुर्ग को पता है कि अगर आपको 5000 पेंशन चाहिए और 12000 रुपए हर महीने आपको बेरोजगारी भत्ता चाहिए तो आपके पास विकल्प में केवल कांग्रेस है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वादा पत्र संकल्प पत्र में साफ है कि वो पेंशन के नाम पर अभी बढ़ोतरी नहीं कर सकते, अगर बढ़ाएंगे तो महंगाई भत्ता। जाहिर तौर पर ये जो मसला चल रहा है इन दिनों, ये बड़ा दिलचस्प है। बुजुर्ग युवा दोनों सोच रहे हैं कि आखिर अपना वोट किस ओर डालें। वीडियो जर्नलिस्ट सियाराम के साथ कुमार रमेश, R9 TV, कालका।